नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी पूर्णिमा व्रत के विषय में, जो कि सावन माह की पूर्णिमा है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत होता है। सावन माह वैसे भी बहुत ही पवित्र और शुभ महीना है। इसमें पड़ने वाली प्रत्येक तिथि, प्रत्येक दिन बहुत ही पवित्र होता है। बात करूं यदि पूर्णिमा की, तो हर माह की पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है, परंतु सावन माह की पूर्णिमा अत्यधिक महत्व रखती है। आज बात करूंगी सावन पूर्णिमा व्रत के विषय में, साथ ही स्नान दान की पूर्णिमा कब होगी, सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण हम किस दिन कर सकेंगे, व्रत हमें किस दिन धारण करना चाहिए, चंद्रोदय का समय क्या होगा, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहने वाली है और साथ में पूर्णिमा व्रत की जो विधि है वह भी आप लोग जानेंगे। पूर्णिमा व्रत आप लोग अवश्य ही धारण करें। यदि आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा धारण नहीं करते हैं, तब भी आप सावन माह की पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत ऐसा व्रत है जिससे आपको अनेकों लाभ मिलते हैं। इसकी लाभ की मैं बात करूं तो अत्यंत ही पुण्य को देने वाला, साथ ही बहुत सारी समस्याओं का निदान पूर्णिमा व्रत से होता है। तो आज सावन की पूर्णिमा के विषय में सारी बातें आप लोग जानेंगे। सभी बातों को समझने के लिए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा व्रत किस दिन हमें रखना है और स्नान दान की पूर्णिमा कब है। दोस्तों, पूर्णिमा का जो व्रत है वो हमें 30 अगस्त दिन बुधवार को धारण करना है, और स्नान दान की पूर्णिमा साथ में सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण इत्यादि हम 31 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को कर सकेंगे। इसका कारण यह है कि जब भी हमें व्रत धारण करना होता है तो हमें रात्रिव्यापनी पूर्णिमा को ही देखना होता है। जब रात्रिव्यापनी पूर्णिमा होती है तो उसी दिन हम लोग व्रत धारण करते हैं, और जिस दिन उदया तिथि की पूर्णिमा हमें प्राप्त होती है उस दिन हम स्नान दान, सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण और जो भी पुण्य आदि विशेष कार्य हैं वो सारे हम लोग उदया तिथि की पूर्णिमा पर करते हैं, पवित्र तीर्थ स्थल पर स्नान करते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान वगैरह करके हम लोग अपने धर्म कार्य, दान इत्यादि करते हैं। तो ये बात हो गई पूर्णिमा तिथि की। शुरुआत की बात करूं तो 30 अगस्त को ही सुबह 10:58 पर पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है, शुरू हो रही है, और यह पूरी रात्रि रहने वाली है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को 7:05 पर, और कुछ पंचांग के अनुसार 7:37 प्रातः काल भी पूर्णिमा तिथि समाप्त होने का समय बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से 7 से लेकर 7:30 के बीच में पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो व्रत आप लोग बुधवार के दिन धारण करेंगे और स्नान दान इत्यादि आप 31 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को उदया तिथि की पूर्णिमा में करेंगे। इसी दिन आप सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण भी कर सकेंगे। दोस्तों, सबसे मुख्य बात जो कि पूर्णिमा व्रत के दिन होता है कि हम लोग चंद्रदेव की पूजा अर्चना करते हैं, अर्घ देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कहने का अर्थ है चंद्रमा की पूजा करना, चंद्रदेव जी की पूजा करना विशेष मुख्य कार्य है इस पूर्णिमा व्रत में। तो चंद्रोदय के समय की मैं बात करूं तो 30 अगस्त दिन बुधवार के दिन चंद्रोदय अर्थात चंद्रमा का उदय हो रहा है संध्या के समय 6:33 पर, और 30 अगस्त को सूर्योदय होगा 6:12 पर, सूर्यास्त होगा 6:43 पर। तो इस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय भी आप लोगों ने जाना। अब बात करती हूँ विधि के विषय में। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत जो है वो बहुत ही विशेष, बहुत ही शुभ फल को देने वाला है, क्योंकि पूर्णिमा व्रत में हम भगवान भोलेनाथ जी की भी पूजा अर्चना करते हैं, साथ में भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं, और चंद्रमा के उदय होने के बाद हम चंद्रदेव जी को अर्घ देते हैं, धूप दीप इत्यादि करते हैं, चंद्रदेव के दर्शन करते हैं, इससे हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत से हमें मानसिक शांति तो मिलती ही मिलती है, साथ में हमारी धन संबंधित समस्याएं या फिर हम किसी प्रकार से भी मानसिक रूप से दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, ये सारी चिंताएं हमारी दूर होती हैं पूर्णिमा व्रत को करने से।
पूर्णिमा व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक यदि हम करते हैं पंचामृत से, गाय के कच्चे दूध से या फिर जल से, तो हमारी कुंडली में हमारी चंद्रमा की स्थिति वो मजबूत होती है। पूर्णिमा व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही धारण करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या विद्यार्थी हो। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि इस व्रत को कोई धारण कर सकता है या कोई धारण नहीं कर सकता, हर कोई इस व्रत को धारण कर सकता है। पूर्णिमा व्रत के दिन आपको सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके पानी में गंगा जल डालकर आप पूर्णिमा व्रत के दिन भी यह कर सकते हैं, और जो उदया तिथि की पूर्णिमा है उस दिन भी आप पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। दोनों ही दिन ये कार्य कर सकते हैं। अपनी जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है उससे निवृत्त होकर आप सबसे पहले सूर्यदेव जी को जल दें, विधि विधान से पूजन अर्चन करें। माँ तुलसी जी की पूजा करना इस दिन विशेष शुभ फलदायी होता है, तो आप लोग माँ तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। संध्या के समय तुलसी जी के समक्ष अखंड दीप जलाने से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आएं, भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। यदि आप शिवालय जा सकते हैं तो जाकर शिव जी को जल से अभिषेक करें या कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करें। पूर्णिमा व्रत के दिन आप शिवालय में बताशे का दान करें या शिवालय में बताशे अर्पित करें, ये बहुत ही पुण्य फल को देने वाला होता है। इससे आपकी चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पूर्णिमा व्रत, वैसे नियम की बात करूं तो पूर्णिमा व्रत को निर्जला ही धारण करने का नियम है, लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं, शारीरिक क्षमता आपकी नहीं है, तो आप मीठा फलाहार करके इस व्रत को धारण कर सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना होता है। और आप चाहें तो पूर्णिमा व्रत, यदि आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा व्रत शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ दिनों तक आप निर्जला रखें, उसके बाद व्रत को फलाहारी भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप सुबह पूजन अर्चन करके भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी की आरती करें, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें, कुछ मीठा फलाहार सात्विक फलाहार भोग प्रसाद उन्हें अर्पित करें। दिन भर आप निर्जला या फलाहारी, जैसे भी आपकी शारीरिक स्थिति है, आप व्रत रखें। संध्या के समय का पूजन जो है वो सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है और सबसे ज्यादा मुख्य होता है। संध्या के पूजन में आप भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा अर्चना करें, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। इस दिन आप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष एक घी का अखंड दीप जरूर जलाएं। अखंड दीप जलाकर वहां पर बैठकर यदि आप माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जप करते हैं तो इससे आपके घर में धन की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। पूर्णिमा के दिन आप अपने घर का जो मुख्य द्वार है अर्थात दहलीज पूजन अवश्य करें। यदि आप सुबह नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश जल्दीबाजी में, तो आप संध्या के समय भी दहलीज पूजन कर सकते हैं। संध्या के समय अपने दहलीज की साफ सफाई करके वहां स्वास्तिक बनाकर एक कलश में छोटे पात्र में जल रख सकते हैं, वहां पर एक पुष्प रख सकते हैं जल में डालकर, और दूसरी बात वहां पर एक दीपक आप जला सकते हैं। दहलीज पूजन करने से कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं, और एक तरह से ये माँ लक्ष्मी जी का स्वागत होता है कि हम अपने अपने घर में माता लक्ष्मी जी का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। तो प्रत्येक पूर्णिमा को, चाहे वो सावन माह की है या फिर किसी भी हर माह की जो पूर्णिमा पड़ती है, आप अपनी जो घर है उसका दहलीज पूजन जरूर करें। मुख्य द्वार का पूजन आप लोग जरूर करें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, सुबह करते हैं, तो ये अति उत्तम है। इस प्रकार से अपने घर के मंदिर में आप लोग पूजा अर्चना कर लें। जो चंद्रमा उदय होने का समय मैंने बताया है, उस समय के बाद जब चंद्रमा का उदय हो जाता है तो आप चंद्रदेव जी को अर्घ दें, जल में आप मीठा डालें, पुष्प डालें, और इस तरह से उसमें रोली चंदन इत्यादि डालकर आप चंद्रदेव जी को अर्घ दें। अर्घ देते समय ध्यान रखें कि उस जल के छींटे आपके पैरों पर ना पड़े, किसी गंदे स्थान पर बहकर वो जल ना जाने पाए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। इस तरह से चंद्रदेव जी को अर्घ देने के बाद वहां पर धूप प्रज्वलित करें, दीप प्रज्वलित करें, और कुछ देर तक चंद्रदेव जी के दर्शन अवश्य करें। चंद्रदेव जी के दर्शन करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। आपके घर में जो भी परिवार के अन्य सदस्य हैं, मान लीजिए व्रत नहीं भी धारण कर रहे हैं, तब भी आप लोग चंद्रदेव जी की पूजा अवश्य करें, उनके दर्शन अवश्य करें। आपके जो बच्चे हैं उनसे भी आप लोग चंद्रदेव जी का दर्शन अवश्य कराएं। प्रत्येक पूर्णिमा पर आपके बच्चों के लिए ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठ होगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी, या फिर बच्चे बड़े हो गए हैं उनके लिए भी, सबके लिए ये श्रेष्ठ और उत्तम है। तो आप लोग दर्शन अवश्य करें। मान लीजिए जो लोग व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, ये बात मैं व्रत के लिए बता रही हूँ, नहीं धारण कर पाते हैं, तब भी आप लोग विधि विधान से ये सारे कार्य, सारी पूजा अर्चना आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन आप लोग सात्विक भोजन ग्रहण करें। घर में आपके किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न बने। यदि हो सके तो लहसुन प्याज का भी त्याग कर दें। मांस मदिरा के बारे में तो सोचना भी पाप है।
तो इस तरह से करके आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप लोग विधि विधान से पूरी पूजा अर्चना आप लोग सुबह से लेकर संध्या तक कर सकते हैं। अब बात आती है, ये बात थी 30 अगस्त की, जिस दिन हमें व्रत धारण करना है। 31 अगस्त को उदया तिथि की पूर्णिमा है, सावन माह है, सावन माह का अंतिम दिन है, बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। तो इस दिन आप लोग शिवालय में जरूर जाएं, शिव जी की पूजा अर्चना, पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें विधि विधान से। उसके बाद इस दिन आप यदि मान लीजिए गाय का कच्चा दूध आपको नहीं मिलता है, पंचामृत नहीं मिलता है, तो मीठा जल, जल में शक्कर डालकर उसे जल को मीठा बना लें और मीठा जल भगवान भोलेनाथ जी को अवश्य ही अर्पित करें पूर्णिमा तिथि पर, जो उदया तिथि की पूर्णिमा है। विधि विधान से शिवालय में पूजा करने के बाद आप आकर घर में माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, आरती करें। इस दिन आप अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन कर सकते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो कहीं भी कथा हो रही है वहां पर जाकर भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं और दान इत्यादि दे सकते हैं। इस दिन आप मंदिर में दान दे सकते हैं, जो उदया तिथि की पूर्णिमा है, और इस दिन आप ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं, गौ माता को भोजन करा सकते हैं। ये सारे कार्य बहुत ही उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। तो उदया तिथि की जो पूर्णिमा है इसमें जितने भी आप पुण्य कार्य कर सकें, जितने भी आप धर्म कार्य कर सकें अवश्य ही करें। शिवालय में भी ले जाकर आप जब पूजा करने जाते हैं तो अपने साथ अन्न जरूर लेके जाएं, जैसे एक सीधा होता है, सीधा निकाला जाता है दान करने के लिए, चावल दाल, उसमें सभी सब्जियां होती हैं जो भी आपके पास उपलब्ध है, हल्दी नमक सभी सामग्री होती है, जैसे एक व्यक्ति का भोजन होता है उस प्रकार से पूरा आप निकाल लें और उस पे कुछ दक्षिणा अवश्य ही रख लें। इस प्रकार से शिवालय में ले जाकर आप लोग दान करें, घर पर भी आकर आप लोग दान कर सकते हैं, जितना भी दान कर सकते हैं ये आपकी क्षमता के ऊपर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से उदया तिथि और जो रात्रि व्यापनी पूर्णिमा है, अर्थात दोनों ही पूर्णिमा पर आप पूजन अर्चन करें, व्रत धारण करें, नहीं कर सकते हैं तब भी आप सारे कार्य कर लें। और पूर्णिमा जो तिथि है दोस्तों, ये प्रत्येक माह की पूर्णिमा की यदि मैं बात करूं तो आप लोग को कभी भी व्यर्थ ही से नहीं जाने देना चाहिए। पूर्णिमा तिथि बहुत ही उत्तम तिथि होती है और बहुत ही उत्तम व्रत होता है। इसमें जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी आप धर्म कार्य पुण्य कार्य करेंगे, इसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। एक बात और, पूर्णिमा तिथि पर आप पीपल पूजा अवश्य करें। यदि इस दिन रविवार नहीं पड़ता है, मान लीजिए किसी पूर्णिमा के दिन रविवार पड़ जाता है तो आपको पीपल पूजा नहीं करनी होती है, चाहे अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, लेकिन यदि रविवार नहीं पड़ता है तो आप लोग विधि विधान से पीपल पूजा अवश्य ही करें। और संध्या के समय पीपल वृक्ष के समीप दीप दान अवश्य करें। चाहे तो आप पंचदीप जला सकते हैं, चाहे तो आप 11 दीप भी जला सकते हैं, 51 दीप भी जला सकते हैं, या फिर एक ही दीप जलाएं, लेकिन जो पूर्णिमा तिथि है इस दिन पीपल पूजा करने से और संध्या के समय दीप दान करने से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से ये सारे कार्य आप लोग कर लीजिएगा। पूर्णिमा व्रत के विषय में आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग अवश्य ही पूछ सकते हैं। यदि आपके मन में ये बात है कि मान लीजिए आपने पूर्णिमा व्रत अभी तक नहीं रखा है, तो मलमास लगा हुआ था तो पूर्णिमा व्रत कैसे रखें, तो केवल सावन पूर्णिमा का यदि आप व्रत रखना चाहते हैं, जैसे हम लोग सावन सोमवार का रखते हैं, तो आप लोग रख सकते हैं। यदि प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो इसे आप शरद पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। वैसे इस वर्ष मलमास लगा हुआ था तो आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत यदि प्रारंभ करना चाहते हैं तो अगले वर्ष कीजिएगा। हाँ, केवल सावन पूर्णिमा रखना चाहते हैं व्रत तो आप लोग रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई संशय वाली बात नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी लोगों को सावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। फिर मिलती हूँ ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमः शिवाय, हर हर महादेव।